चलिए फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर डूंगरपुर से फिलहाल सामने आ रही है। राजसमंद एसीबी की डूंगरपुर में कार्रवाई, कोतवाली थाने का एएसआई रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। घूसखोर एएसआई प्रताप सिंह को एसीबी ने ट्रैप किया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गए एएसआई को ट्रैप किया गया है। छेड़खानी के मामले में एफआईआर लगाने की एवज में इस रिश्वत राशि की मांग की गई थी। एसीबी एएसपी राजेश चौधरी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजसमंद एसीबी की डूंगरपुर में बड़ी कार्रवाई। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश जैन फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या पूरी जानकारी, किस प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया? मनीषा, बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने के एसआई प्रताप सिंह को राजसमंद एसीबी की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। थाने में दर्ज एक एफआईआर में एफआईआर लगाने की एवज में एसआई ने रिश्वत मांगी थी। राजसमंद से एसीबी के एसपी एडिशनल एसपी राजेश चौधरी ने बताया कि डूंगरपुर शहर निवासी सतीश जैन ने ब्यूरो में कोतवाली थाने के एसआई प्रताप सिंह के खिलाफ छेड़खानी के मुकदमे में एसआर लगाने की एवज में 22,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। परिवार की शिकायत मिलने के बाद मामले की पुष्टि की गई। पुष्टि के बाद आज राजसमंद के एसीबी एसपी एडिशनल एसपी राजेश चौधरी ने अपनी टीम के साथ ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिए देते हुए शहर के गैपसागर की पाल पर जूस की दुकान पर 5,000 की रिश्वत लेते आरोपी एसआई प्रताप सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद एसीबी की टीम ने आरोपी को लेकर डूंगरपुर एसीबी कार्यालय पहुंची, यहां पर एसीबी की कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कोतवाली थाने का एएसआई यहां रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है और 5,000 रुपए की रिश्वत लेते एएसआई को यहां एसीबी ने ट्रैप किया है।